सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड सुमित मैथी, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट. तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी, कि कैसे मैंने अपने अकाउंट्स को इतना स्ट्रांग बनाया और 75 मार्क्स सिक्योर किया सीए फाउंडेशन में बिना किसी कोचिंग के. और फर्स्ट अटैम्प में सीए फाउंडेशन क्लियर भी किया मैंने. जो मेरा एग्रीगेट था 232 का, वो मेरे अकाउंट्स के वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, तो मैंने कैसे अपना अकाउंट्स को, कैसे अपने अकाउंट्स की नॉलेज को एनहेंस किया और कैसे अप्लाई किया और जिसके कारण मुझे अकाउंट में 75 मार्क्स मिले. तो देखा जाए तो सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में 75 माना बहुत बड़ी बात होती है बिना किसी कोचिंग के. तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या, मैंने ऐसा क्या क्या अलग किया था जिससे मुझे अकाउंट्स में 75 मिले. तो मैं आज आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ. तो जैसे कि अकाउंट्स सीए फाउंडेशन की जान होती है, अकाउंट्स होती है सीए फाउंडेशन के, सीए की जान होती है अकाउंट. तो अगर आपको एग्रीगेट बनाना है तो सब लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पकड़ के चलो, इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट बन जाते हैं. लेकिन मैंने भी ये सोचा था कि इकोनॉमिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग कर लूँगा तो इकोनॉमिक्स में कम से कम 70-80 लेके आऊँगा, जिससे मेरा एग्रीगेट बन जाएगा और 200 से पार हो जाएगा. लेकिन लास्ट में मुझे लास्ट तक भी ये लगा, रिजल्ट से एक दिन पहले और रिजल्ट के एक घंटे पहले भी लगा मेरा हाईएस्ट स्कोरिंग जाएगा इको में. लेकिन जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो मेरा हाईएस्ट गया था अकाउंट्स में, पता नहीं कैसे, लेकिन अकाउंट्स में सारा हाईएस्ट गया था मेरा. फिर मैंने देखा कि ठीक है, मैंने सोचा इकोनॉमिक्स में इतने कम कैसे आ गए, मैं बहुत वो हो गया. लेकिन अकाउंट्स का देख के उतना खुश भी हो रहा था, लेकिन इकोनॉमिक्स का देख के उतना दुख भी लग रहा था. फिर मैंने क्या किया, छोड़ो. मैंने फिर सोचा छोड़ो, मिल गए अकाउंट्स में हाईएस्ट, मिल गए बस बहुत. अब अकाउंट मैंने क्या किया था, अकाउंट्स में मैंने अपना पूरा सिलेबस एक महीने में ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मेरा 11th-12th में अकाउंट्स था तो मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं. तो मैंने एक महीने में अकाउंट्स का सिलेबस ख़त्म कर लिया. फिर मैंने मेन मेरा काम आया अकाउंट्स में, वो कब आया, जब मैंने लास्ट के 15 डेज़ बाकी थे. 15 डेज़ बाकी होने के टाइम पे मैंने बहुत MTP सॉल्व करे, बहुत PYQ सॉल्व करे. MTP PYQ मैं डेली बेसिस में सॉल्व करता था अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद. 15 दिन में मैंने कम से कम एक दिन में मैं 3 MTP और PYQ सॉल्व करता था, 3 एक दिन में. और कभी कभार तो ऐसा होता था मैं 4 से 5 खींच देता था, 4 से 5 MTP PYQ मिला के. देखा जाए मैंने टोटल कम से कम 20 से 30 MTP PYQ सॉल्व करे, और एक एक MTP को कम से कम तो 2 बार मैंने सॉल्व करे ही है, जिससे मेरा नॉलेज बढ़ा. और देखा कि अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं RTP से ढूंढ लेता था, कुछ क्वेश्चन कुछ चैनल्स वगैरह टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम मिल जाते थे तो वहाँ से ले लेता था. तो उनको सॉल्व करता रहता था मैं, और उसको सॉल्व करने से ना मुझे एक फ़ायदा हुआ, मैं टाइम मैनेज कर पाया. एग्ज़ाम के टाइम पे ना, एग्ज़ाम कहते तो 3 घंटा है, 3 आवर्स कहते हैं, लेकिन मिलता ना आपको माइंड आपका वो 2.5 घंटे चलता है. 2.5 घंटे भी क्या, लास्ट के 2 घंटे आपका पूरा दिमाग चलता है, उससे पहले आपका दिमाग नहीं चलता. उस टाइम पे आप मतलब क्वेश्चन पर देख के हैरान हो रहा, तो मैं भी हो गया था. तो लास्ट के जो 2 घंटे आपका जब दिमाग चलता है, तो उस टाइम पे जो आपको स्पीड होती है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, और वो स्पीड मेंटेन करना मैं सीखा था MTP और PYQ से. तो आप लोग के मेरे लिए तो सजेशन है, मैं मतलब आप लोगों को सजेशन देता हूँ सीए फाउंडेशन वालों को, कि MTP PYQ मस्ट है, करके ज़रूर जाओ. ये नहीं कि 1-2 कर लिया, उससे आपका क्या नॉलेज बढ़ जाएंगे 1-2 क्वेश्चन के, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा. और कभी कभी क्या होता है, MTP PYQ से सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन डाल देते हैं एग्ज़ाम में. तो उससे आपको पढ़ा होता है, आपने करा होता है, उससे आप जल्दी जल्दी कर लोगे और टाइम स्पीड बढ़ जाती है आपकी. तो टाइम सीए के एग्ज़ाम में मैंने ये देखा है, टाइम बहुत बढ़िया चीज़ है. मतलब टाइम अगर आप मेंटेन करना सीख गए तो आप सीए के फाउंडेशन तो अभी तो मैंने क्लियर करा है, लेकिन क्लियर कर जाओगे अच्छे तरीके से. तो अपना टाइम मेंटेन करने के लिए MTP और PYQ और RTP मस्ट है. एक क्वेश्चन को पकड़ो, एक क्वेश्चन का एवरेज पकड़ के चलो, कि एक क्वेश्चन बड़े 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 15 से 20 मिनट में सॉल्व करना है उसको. 15 मिनट तो ज़्यादा बोल देता हूँ, 15 मिनट तक मैक्सिमम, 15 मिनट तक सॉल्व करना है आपको, जिससे आपका पूरा एग्ज़ाम सॉल्व हो जाए. और जब भी सोच के जाता ना कि 100 का सॉल्व करना है आपको, मतलब 100 मार्क्स का करेंगे अटेंड, 100 मार्क्स का अटेंड नहीं होता, मेरे से भी नहीं हुआ था 100 मार्क्स का. हमेशा जितना आपको आता है, एक होता है क्वांटिटी और होता है क्वालिटी, आपको क्वालिटी देना है. क्वांटिटी तो बहुत लोग क्वांटिटी देते हैं लेकिन तब भी क्लियर नहीं कर पाते, क्वालिटी देना है. 75 मार्क्स का अटेंड करो, कम से कम 75 में से 70 का मार्क्स का वो लेके आओ, या 70 आनी ही चाहिए मेरे. तो मेरा यही है स्ट्रेटजी, मेरी कुछ खास स्ट्रेटजी थी नहीं, अकाउंट में अच्छे खासे लेने की यही स्ट्रेटजी थी, कि MTP RTP और PYQ मस्ट है, उसको सॉल्व करो अच्छे से, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा. तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. कोई भी आपको इसके रिलेटेड MA 22 के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके DM कर सकते हो.
और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तो है ही, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जवाब दे दूंगा। तो वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करें। बाय।